हाय एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क ब्लॉग। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा पर्क्स इन कॉग्निजेंट। सो क्या क्या पर्क्स मिलते हैं कॉग्निजेंट में अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ज्वाइन कर रहे हैं एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। सो अगर आप ये सभी जानना चाहते हो व्हाट आर द पर्क्स वर्किंग एट कॉग्निजेंट, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। जो आज मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगा ये डिसाइड कर सकता है आपको एक कंपनी को चॉइस करने के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट ऑफर्स है बारे में जो भी पर्क्स वगैरह मुझे मिले हैं वाइल वर्किंग एट कॉग्निजेंट, वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग की हेल्प करूंगा सो दैट यू कैन डिसाइड। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला फैक्टर जो बहुत लोगों को जो है अप्रोच करती है यानी कि मोटिवेट करती है वो है सैलरी और बेनिफिट्स। सो अदर बेनिफिट्स के बारे में बाद में बात करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी। सो सैलरी अगर कंपेयर करें, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो सबसे बेस्ट सैलरी आपको कॉग्निजेंट में प्रोवाइड होता है अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज से पास आउट हो रहे हो तो। यहाँ पे इन हैंड सैलरी जो है आपको जो है अप्रॉक्स 27-28,000 के आसपास जो है मिल जाएगी इन हैंड अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो। एक्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट अलाउंसेस के, एज अ फ्रेशर में बात करूँ। बाकी अगर आप एज एक्सपीरियंस ज्वाइन की कुछ परसेंटेज हाई को अगर लेकर के इस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हो तो बेस्ट है और आगे फ्यूचर में जो है आपको अच्छी खासी जो है हाइक्स वगैरह देखने को मिलेगी। सो बात करें मेरा कितना हाइक हुआ था ये कभी और वीडियो में बात करूँगा। बाकी ये सबसे पहला फैक्टर है गुड सैलरी। सो नेक्स्ट फैक्टर जो है मैं बोलूँगा लाइक नो ड्रेस कोड। जी हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कि फॉर्मल ड्रेस कोड जो है आपको फॉलो करनी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कोई भी ड्रेस कोड आपको फॉलो अप नहीं करना। सो एक स्मार्ट कैजुअल जैसा जो है यहाँ पे ड्रेस कोड रहता है। लाइक अब ऐसा नहीं है कि आप चप्पल वगैरह जो है पहन के आ जाए। सो ये बेसिकली एक स्मार्ट कैजुअल यानी कि स्नीकर्स वगैरह आप ले सकते हैं। बेसिकली जब भी आप ऑफिस वगैरह किसी भी ऑफिस में जाए तो शूज़ एक मैंडेटरी एक्सेसरीज होता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर ड्रेस कोड जो है फॉलो जो है करना ही है। लाइक एज यू ऑल नो दैट जो है वर्क फ्रॉम होम सिनारियो चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम सिनारियो के लिए जो है सबसे ज़्यादा मेरे को अभी तक जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से मैं सुना हूँ सबसे ज़्यादा यानी 1800 जो आपको इंटरनेट अलाउंसेस मिलती है, जिसमें मैं जो हूँ 999 का जो है रिचार्ज करता हूँ, लगभग 1000+800 जो है ईच मंथ मेरे बच जाते हैं। सो वो जो है आपका बेनिफिट है, 1800 आपको जो है इंटरनेट अलाउंसेस मिलते हैं। आप जैसे चाहो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको बिल वगैरह जो है दिखाना नहीं पड़ता है। सो जो भी है जितना भी दिन वर्क फ्रॉम होम चलेगा आपको जो है 1800 पर मंथ मिलेगा ही। नेक्स्ट पर्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको यूडेमी एक्सेस अगर मिले या फिर ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग आपको करना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ सीखना है, चाहे वो आपके डोमेन से रिलेटेड हो चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो। एज यू नो लाइक मैं एक वीडियो क्रिएटर भी हूँ बाई हॉबी। लाइक वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स और क्या क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं वो सब भी जो है यूडेमी कोर्सेज को जो है फॉलो करता हूँ थ्रू माई कॉग्निजेंट अकाउंट। सो आप भी जो है जितने भी वर्ल्ड वाइड लाइक यूडेमी में जितने भी कोर्स है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी परमिशन लाइक अप्रूवल एंड ऑल। सो जो भी है आप यूडेमी का फुल एक्सेस है, आप कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो बिना किसी अप्रूवल के। यहाँ पे जो है एक्सपोजर होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का के साथ वर्क करने का। जैसे जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कुछ दिन पहले मैं एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हुआ और ये प्रोजेक्ट में अभी रिसेंटली जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी पे जो है स्विच हो रही है। तो उस क्लाउड टेक्नोलॉजी जो कि अभी रिसेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो मुझे वो टेक्नोलॉजी को ग्रैप्स करने में जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो सब तो मिलेगी, प्लस मुझे एक एडवांटेज मिला लाइक मैं एक नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है लर्न करके अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपने इन फ्यूचर जो है अपने स्किल्स में ऐड ऑन करूँगा। सो ये जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करने का। सो ये बेनिफिट आपको कॉग्निजेंट में मिलता है। नेक्स्ट पर्क्स की बात करें तो आप जो सबसे बेस्ट मैं एग्जांपल लूँगा अब तक का, क्योंकि वो जो है बहुत ही मैंडेटरी होता है, हेल्थ बेनिफिट जो है कॉग्निजेंट जो है आपको अच्छी खासी हेल्थ बेनिफिट देता है। ईयर में पर ईयर जो है आपको फुल बॉडी चेकअप यानी कि हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए जो है इस टाइप से जो आपको मिल जाएगा। आप कभी भी इनरोल करके आपके नियर बाय लोकेशन पे जिस भी लोकेशन पे आप जो है फुल बॉडी चेकअप वगैरह जो है आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जो है करवा सकते हैं। यहाँ पे जो कॉग्निजेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। सो आप जो है ये दो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे जो है मास्टर हेल्थ चेकअप का जो है ऑप्शन मिल जाता है। सो आप जो है मास्टर हेल्थ चेकअप और फिर जा करके आप अगर ऐड करना चाहते हैं अपने पेरेंट को या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं
हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए, उसके लिए कुछ मिनिमम चार्जेस वगैरह लगते हैं, बाकी आपके लिए जो है सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि जो इम्प्लॉय रहेगा उसके लिए सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो भी क्लेम वगैरह करना है जो भी है ये सब जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या फिर कोई भी आप डिपेंडेंट के लिए करना चाहें तो आप कुछ मिनिमम कॉस्ट वगैरह दे करके आप कर सकते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन मिलता है हेल्थ बेनिफिट इन कॉग्निजेंट वाया मेडीबडी। सो नेक्स्ट जो है मैक्सिमम लोगों को जो है लैपटॉप भी प्रोवाइड की जा रही है आजकल कॉग्निजेंट में, और वो लैपटॉप जो है नया होता है, न्यू कंडीशन में होता है, जो भी है मैक्सिमम मैं जितने भी लोगों का देखा हूँ न्यू कंडीशन में लैपटॉप मिलता है। सो ये एक पर्क्स बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्रेज़ रहता है कि न्यू लैपटॉप वगैरह मिलेगा वर्किंग के लिए। मुझे भी था और मुझे भी मिला न्यू लैपटॉप, और जो भी है नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा ये ऑन साइट अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जो है आपका 3 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो, सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑल। सो अगर आपका जो है अच्छा खासा जो है रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट है और आपका अच्छा खासा टेक्नोलॉजी पे नॉलेज है, ऑन साइट जो है अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे से खासी मिलेगी जिस भी प्रोजेक्ट में है। ये डिपेंड करता है बेसिकली प्रोजेक्ट में, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑन साइट ऑन शोर ये सब वर्क करता है तो आपको जो है डेफिनेटली ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है 3 to 4 ईयर के बाद जो है मिलेगी। ये जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है एज अगर 3 और 4 ईयर के बाद अगर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो जाना चाहते हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो फूड कूपन कार्ड ये सब का जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, आपको जो है कुछ परसेंटेज जो है सैलरी से अपने पर्टिकुलर जो है फूड कूपन में जो कि 3000 जो है मैक्सिमम रहता है एज पर गवर्नमेंट रूल। ये जो 3000 जो भी फूड कार्ड पे जो भी पैसे मिलेंगे ये जो है बिल्कुल ही आपका टैक्स फ्री रहेगा। आपको टैक्स सेविंग में जो है ये फूड कार्ड का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करने के बाद जो आपको टैक्स बेनिफिट जो है मिल सकता है, और 3000 तक जो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगती है। ये ऑप्शन एक तरह से बोले तो पर्क्स के रूप में काउंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल टाइम, जी हाँ दोस्तों ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, लेट से अगर ऑफिस आवर जो भी होता है लेट से 10 to 7 8 जो भी होता है, उस बीच में अगर आपको कुछ 1 घंटे 2 घंटे का कुछ काम है तो आप अगर जाना चाहते हो बाहर, इवन आप ऑफिस में भी रहते हो तो आप निकल के जा सकते हो और बाद में अपना काम कम को जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से देखें तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर है, कोई इंपॉर्टेंट ही काम है तो उस समय पे विदाउट लीव लिए जो है आप पर्टिकुलर काम को जो है कंप्लीट करके वापस आ सकते हैं। ये जो है फुल्ली जो है फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। नेक्स्ट बात करें तो गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जितना भी मेरा इंट्रैक्शन हुआ है अब तक का बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट अभी तक मुझे मिला है। और बाकी बात करें तो पीपल एज यू आई सेड पीपल आर वेरी अप्रोचेबल। अगर हायर मैनेजमेंट भी है उस पोजीशन पे, अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से तो आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे। मे बी उस टाइम पे वो बिजी रहे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो रिप्लाई देंगे, आपको जो है उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी है आप समझ सकते हैं पीपल यहाँ पे जो है अप्रोचेबल है, आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अगर लीव की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर बोले तो पैटर्निटी मैटर्निटी और ये सब जो भी अडॉप्शन ये सब लीव को एक्सक्लूड करके, ये सब लीव को जो है हटा करके अगर देखें तो टोटल जो है 32-34 लीव ऐसे कुछ मिलते हैं जिसमें जो है डिफरेंट लीव्स कैटेगरी होते हैं, जैसे कैजुअल लीव होते हैं, अर्न लीव होते हैं, सिक लीव होते हैं, मोर देन 1 मंथ आपको लीव मिल जाता है, यहाँ पे लीव अच्छी खासी है। बाकी पैटर्निटी मैटर्निटी ये भी आप अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ये लीव ले सकते हैं। बाकी एक अदर टाइप का लीव होता है कॉम्प ऑफ, लेट से अगर आप वीकेंड में काम करते हो वीकेंड जो है आपका वेस्ट नहीं होगा बल्कि आपको कॉम्प ऑफ मिल जाएगा, जो कॉम्प ऑफ आप कभी और ले सकते हैं। मेरे केस में बात करूँ तो मैंने कि सैटरडे संडे में काम किया था तो वो 2 दिन का जो है कॉम्प ऑफ मुझे मिल गया था, और नेक्स्ट मंथ में यूज़ कर लिया था उस कॉम्प ऑफ को। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कॉम्प ऑफ सिर्फ कॉग्निजेंट में नहीं अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है कॉम्प ऑफ वगैरह मिलती है। बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी मैं बात करूँगा कभी और किसी और वीडियो में। ये सभी जो है पर्क्स मिलते हैं कॉग्निशन में एज अ एम्प्लॉय अगर आप वर्क करते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। लेट्स मीट इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।